8 लाख टीचर्स जो अभी हमारे देश में हैं वो अनट्रेन्ड हैं और 12 लाख टीचर्स की कमी अभी भी लगातार बनी हुई है और ये 2-3 साल से लगातार बनी हुई है। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि ये एक कामयाब कानून है। आइए दिखाते हैं आपको केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का क्या कहना है इस मामले पर। जतिन जी, जो शिक्षा अधिकार कानून है उसके 3 साल हो गए हैं, इसके अलावा भारत सरकार की ओर से और भी कई गश्ते हुए, जैसे मिड डे मील है और इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, इन सब से क्या कुल मिलाकर के क्या असर आपके हिसाब से पड़ा है? नहीं, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की यूपीए सरकार की रही है और 2009 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, पार्लियामेंट ने पारित किया गया। कोशिश यही है कि हर एक किलोमीटर के दायरे पे गाँव के और मोहल्ले के एक स्कूल हो, और जब स्कूल जो बन गए हैं वो पहली प्राथमिकता थी, और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो स्कूल हैं उसमें शिक्षा का स्तर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि बढ़िया शिक्षा हमारे छात्र छात्राओं को मिले और वो आगे बढ़ के और देश का नाम रोशन करें। साधन की तो अभी जैसे पिछला जो वित्तीय वर्ष रहा और उसके पहले भी 11वीं योजना में जो स्कूली शिक्षा के लिए जो आवंटित जो जरूरत की गई थी उसका लगभग आधा आवंटन हुआ, और शिक्षा एक तरह से संसाधन की कमी है मतलब भारत सरकार के स्तर पर भी, तो क्या क्या उम्मीद की जाए 12वीं योजना में, जबकि 12वीं योजना लगभग सारा खाका तैयार हो गया है, तो क्या नई चीज लाने जा रहे हैं? जहाँ तक संसाधनों का सवाल है, हमेशा कमी रहती है, मगर उन्हीं संसाधनों से हमें ये देखना होता है कि ग्लास में आधा पानी भरा है, ये नहीं देखना कि आधा खाली है, क्योंकि जब से ये लागू हुआ है हमने काफी हर चीज में, इनरोलमेंट में, छात्राओं की महिलाओं की शिक्षा की बात है उसमें ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट कम हुए हैं, ज़्यादा स्कूल हो गए हैं, ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति पे जोर दिया जा रहा है, सब फिगर्स हमारी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और जाहिर है कहीं कमियां तो रहती ही हैं मगर उनको पूरा किया जाएगा पूरी तरीके से। ये सरकार यूपीए की वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि शिक्षा को और बढ़ाया जाए, जितना फोकस हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे, और धन की जरूरत पड़ेगी वो भी दी जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मैडम सोनिया गांधी भी बहुत ज़्यादा शिक्षा पर जोर देती रही, यूपीए का यूपीए 1-2 दोनों में एक बहुत ही अहम एजेंडा रहा शिक्षा का, और राहुल गांधी भी खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन, हम क्या माने कि कब तक जो है ये जो सार्वभौम शिक्षा है इसका सपना कब तक पूरा होगा आपके हिसाब से? नहीं, बात यह है कि शिक्षा ऐसी चीज हो गई है कि जो पहली प्राथमिकता थी कि सबको शिक्षा उपलब्ध कराना, जो आरटी राइट टू एजुकेशन दिलवाता है हर एक उस बच्चे को जो 6 साल से 14 साल तक का है, वो पूरा कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती रहती है, और समय के साथ हम उसमें परिवर्तन लाते हैं कि कैसे टीचिंग और अच्छी कराई जाए, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिर्फ मार्क्स पे निर्धारित ना हो, कैसे टीचर अपने आप में सुधार ला सके, कैसे बच्चा अपने आप में सुधार ला सके, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्यूटराइजेशन और तमाम ऐसी आधुनिक चीज़ें हैं जिससे हम शिक्षा को और आगे बढ़ा रहे हैं, और वही कोशिश जारी है।